वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें गिवन है साइन इज इक्वल टू 3/4 और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन की थी उसके अंदर हमें ट्राइंगल गिवन था जिसमें हमें दो साइड गिवन थी और हमने थर्ड साइड फाइंड आउट की थी। देन उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी होती थी वो हम निकाल लेते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्राइंगल गिवन नहीं है, हमें सिर्फ क्या दे रखा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और उसके बेस पे हमें बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। साइड्स गिवन नहीं है जिससे हम पाइथागोरस लगा सकें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है जैसे साइन दिया है तो हम साइन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। अब यहाँ परपेंडिकुलर के आगे क्या है, 3, और एच के आगे क्या है, 4। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है उसको हम 3x मान लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को 4x मान लेते हैं। ये x हमने क्यों लिया, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। और हम छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमें रेशियो गिवन हो तो उसके साथ हम x लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, एच पता चल गया। अब वही जो हम पुराना कंसेप्ट ट्राइंगल का यूज़ करते थे कि हमें हाइपोटेन्यूज दिया बना है 4x, परपेंडिकुलर दिया है 3x। अब हम बेस फाइंड आउट करते हैं, तो पाइथागोरस लगाते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना गिवन है, 4x, परपेंडिकुलर है 3x, बेस हमें पता नहीं। इसका स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 16 में से 9 गए, 7x स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब 7 तो सॉल्व हो नहीं सकता इसलिए अंडर रूट में ही रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो 1x बाहर आ जाएगा, बेस निकल गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, हमें क्या चाहिए था, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। ऐसे क्वेश्चनों में ये अच्छा होता है कि हमें एंगल के अकॉर्डिंग बेस वगैरह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे एंगल सेम है, तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है वही नेक्स्ट रेशियो के अंदर होगा, तो उसमें हमें एंगल के अकॉर्डिंग ये चेक नहीं करना पड़ता कि क्या बेस मान और क्या परपेंडिकुलर। तो बेस कितना गिवन था, बेस हमने निकाला √7x और हाइपोटेन्यूज कितना माना था हमने, 4x, वैल्यू आ गई √7/4। इसके बाद हमें टेन ए फाइंड आउट करना है और टेन का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √7x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3/√7। आई होप इट्स क्लियर। हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।